प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हरियाणा NEEMS 2013, 2014 और 2015 के जो प्रश्न पत्र हैं उनके रिपीटेड सीरीज टॉपिक के PYQ आज मैं आपको हल करवाऊंगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लोकप्रिय चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। प्यारे विद्यार्थियों, टॉपिक वाइज वीडियो हरियाणा NEEMS के वीडियो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए आपके लोकप्रिय चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर पर विजिट करें, वीडियो देखें और इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेने के लिए फ़ायदा उठाएं। अब देखिए, ये प्रश्न एक है, इसमें 12 लेटर हैं, तो तीन तीन के पैर बन रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पैटर्न बन रहा है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखिए, बीच में ये बी आ रहा है, तो यहाँ बी आ जाएगा, फिर यहाँ बी आ जाएगा, पैटर्न बन गया। यहाँ ए आ जाएगा, फिर ये बी हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। तो अब देखिए, इसमें क्या पैटर्न होगा, बी 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 बी, फिर ये ए आ गया, बी डबल बी, तो ये वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर दो देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह 12 लेटर हैं इसमें भी, तो 12 लेटर हैं, तो क्या करेंगे हम, चार चार के जोड़े बना देंगे। एक दो तीन चार, एक ये हो गया, एक दो तीन, एक ये हो गया। अब देखिए, बी ए बी का पैटर्न बन रहा है, बी ए बी, फिर सी आ गया, बी ए बी, फिर सी आ गया, बी ए बी सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी ए बी ए डबल सी, ये दो वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर तीन देखिए, प्रश्न नंबर तीन में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह 16 लेटर हैं, तो चार चार के जोड़े बन जाएंगे। एक दो तीन, एक तो ये हो गया, एक दो तीन, एक ये हो गया, एक दो तीन चार, एक ये हो गया। अब देखिए, यहाँ ए डबल बी का पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ बी आ जाएगा, तो
तो डबल बी यहाँ फिर बी आ जाएगा, डबल बी डबल ए बी वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें। अब प्रश्न नंबर चार देखिए, प्रश्न नंबर चार में 19 लेटर हैं तो तीन तीन के जोड़े बन जाएंगे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब देखिए ये ट्रिपल सी का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ ट्रिपल बी का जोड़ा बन जाएगा, यहाँ ट्रिपल ए का जोड़ा बन जाएगा, फिर यहाँ ट्रिपल सी का जोड़ा बन जाएगा, ये ट्रिपल बी का जोड़ा बन रहा है तो यहाँ ट्रिपल ए का जोड़ा बन जाएगा, तो इसमें कौन सा आएगा, बी ए सी ए, बी ए सी ए विकल्प दो वाला आंसर सही है। अब प्रश्न नंबर पाँच देखिए, प्रश्न नंबर पाँच में 14 लेटर हैं तो अब देखिए चार चार के जोड़े बन जाएंगे, ये चार हो गया, फिर ये चार हो गया, फिर ये चार हो गया। अब पैटर्न देखिए, डबल एम डबल एन, यहाँ डबल एम तो यहाँ डबल एन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डबल एन डबल एम, ये पैटर्न है इसमें। तो यहाँ देखिए एन एम डबल एन, ये विकल्प चार वाला आंसर सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर छः देखिए, प्रश्न नंबर छः में भी 14 लेटर हैं तो तीन तीन के जोड़े बनेंगे। अब देखिए एम एन ए, फिर ये बन गया, फिर ये जोड़ा बन गया, फिर ये जोड़ा बन गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, एम एन ए, फिर यहाँ एम एन ए, तो क्या आ जाएगा, एम एन ए एम एम एन डबल ए, फिर यहाँ जो बच गया यहाँ एम एन का जोड़ा है तो एम आ जाएगा एम, ये एक वाला विकल्प सही है। अब प्रश्न नंबर सात देखिए, अब प्रश्न नंबर सात में विदाउट पैटर्न ये हल हो रहा है। अब देखिए ए बी सी एम, तो यहाँ ए बी सी हो गया तो यहाँ एम आ गया, तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा, ए बी सी एम बी ए बी सी एम हो गया, तो अब देखिए एम ए एम सी एम ए एम सी, तो यहाँ पैटर्न ए बन रहा है तो ए बी हो जाएगा, तो ये विकल्प तीन वाला सही है। अब प्रश्न नंबर आठ देखिए,
एक दो तीन चार पाँच छः सात सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, इसमें 18 लेटर हैं। कहीं न कहीं पैटर्न गलत है। ए डबल एम खालिस्तान, फिर एन ए, फिर खालिस्तान, फिर ट्रिपल एम, ट्रिपल एम के बाद यहाँ खालिस्तान है, फिर एन एन ए के बाद खालिस्तान है, और फिर ए एम के बाद खालिस्तान है। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन ऐसे बनया, ए डबल एम खालिस्तान, एन ए खालिस्तान, ट्रिपल एम खालिस्तान, एन एन ए खालिस्तान, ए एम फिर खालिस्तान। अब देखिए यहाँ ए एम का पैटर्न बन रहा है, तो ये ए हो जाएगा ए ए एम का पैटर्न, यहाँ एन हो जाएगा, फिर ट्रिपल एन का पैटर्न हो जाएगा, फिर ट्रिपल ए का पैटर्न हो जाएगा, फिर यहाँ एम का पैटर्न हो जाएगा। तो ये एन ए एन एन ए एन ए एम वाला पैटर्न हो जाएगा। तो ये दो वाला विकल्प सही है इसमें। अब प्रश्न नंबर 9 देखिए, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। ए यहाँ एक बार आ रहा है, बी एक बार आ रहा है, सी एक बार आ रहा है, डी एक बार आ रहा है। तो यहाँ ए दो बार हो गया, बी दो बार हो गया, तो यहाँ स्पेस है, यहाँ सी दो बार हो जाएगा, फिर ये डी दो बार हो रहा है, फिर यहाँ ए तीन बार हो जाएगा, बी तीन बार हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा, ए डबल सी ए बी, ये चार वाला विकल्प सही हो जाएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।